गुड मॉर्निंग्स माय यूट्यूब फैमिली, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सेफ्टी गाइडलाइंस में। मैं हर दिन की तरह आज भी एक सेफ्टी से रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोग का पॉइंट है परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में। तो आज मैं परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में, व्हाट इज परमिट टू वर्क, परमिट सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ परमिट टू वर्क कितने टाइप का होता है, सेक्शन ऑफ परमिट का कितना सेक्शन होता है, हाउ टू फिल परमिट को हम लोग कैसे फिल करते हैं, वर्क एट हाइट चेकलिस्ट क्या होता है, स्काफोल्ड चेकलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज हॉट वर्क, व्हाट इज कोल्ड वर्क, मतलब कहने का मतलब कि आज परमिट टू वर्क के बारे में आज हम पूरा डीपली में बताने वाले हैं, और ये इंटरव्यू के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। तो आज यहाँ पे आपको हम परमिट टू वर्क कैसे फिल करते हैं लाइव भी दिखाएंगे, अभी हम साइट पे ही हैं। ओके, तो हम लोग का डेली का काम ही होता है परमिट को रिव्यू करना। तो आज आपको हम परमिट को कैसे फिल करते हैं और परमिट कितने टाइप का होता है आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। ओके, तो लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है। फ्रेंड्स, परमिट टू वर्क सिस्टम इज अ डॉक्यूमेंटेड एंड प्लानेड सेफ्टी प्रोसीजर होता है, विच इज़ कंट्रोल हाई रिस्क एक्टिविटी लाइक हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, कन्फाइंड वर्क। मतलब कहने का मतलब कि परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है, एक डॉक्यूमेंटेड एंड प्लानेड, मतलब पहले से प्लान किया हुआ सेफ्टी प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होता है जो कि हाई रिस्क एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं हॉट वर्क में क्या होता है, हॉट वर्क में बहुत चांस रहता है आग लगने का, और कोल्ड वर्क कन्फाइंड स्पेस में बहुत सारा खतरा होता है। इस सब के बारे में हम डीपली में आगे बताए हुए हैं। तो मतलब कि परमिट टू वर्क सिस्टम ये होता है, किसी भी काम करने से पहले हम लोग परमिट लेते हैं, और परमिट टू वर्क सिस्टम में रहता है कि हमको जो भी काम करना है, जिस काम के लिए हम परमिट ले रहे हैं उसके बारे में, ईच एंड एवरी हजार्ड्स के बारे में उसमें मेंशन रहता है, उसका क्या प्रिकॉशन लेना है वो उसमें रहता है। इसलिए हम लोग किसी भी काम करने से पहले हम लोग परमिट लेते हैं ताकि वहाँ पे जो भी हजार्ड से उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमिट कितने टाइप का होता है। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमिट, फर्स्ट वन इज़ हॉट वर्क, सेकेंड वन इज़ कोल्ड वर्क। फ्रेंड्स, जैसे मैं हम लोग मैं जे एस डब्ल्यू के अंदर ही काम करता हूँ, तो यहाँ पे एक दो ही परमिट होता है, एक हॉट वर्क के लिए, एक कोल्ड वर्क के लिए, और उसके बाद ये कन्फाइंड स्पेस या इलेक्ट्रिसिटी या हैवी वर्क, स्काफोल्ड, इसके लिए अलग परमिट होता है। लेकिन मेनली हम लोग दो ही परमिट मानते हैं, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क। हॉट वर्क में क्या आता है, कोल्ड वर्क में क्या होता है, आगे आपको हम डीपली बता रहे हैं अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हॉट वर्क, हॉट वर्क क्या होता है। फ्रेंड्स, हॉट वर्क इज अ सच इज अ वर्क विच इज़ रिलीज हीट, फ्लेम, स्पार्क, डेट इज कॉल्ड हॉट वर्क। मतलब कहने का मतलब हॉट वर्क वो वर्क होता है जिसमें स्पार्क होने की, जिसमें उष्मा उत्पन्न होने की, फ्लेम उत्पन्न होने की चांस ज़्यादा रहता है, उसको हम लोग हॉट वर्क बोलते हैं लोग। और परमिट दो ही तरह का होता है, आपको हम आज डीपली यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देंगे। ओके, जैसे में क्या होता है, हॉट वर्क में क्या होता है, वेल्डिंग में क्या होता है, एनी टाइम चांस रहता है। जैसे मतलब फोटो में देख पा रहे हैं लोग, उसमें एनी टाइम चांस होता है फायर लगने की। ओके, गैस कटिंग में भी क्या होता है, इसमें से फ्लेम निकलता है और स्पार्क होता है, इसमें भी चांस रहता है बहुत ज़्यादा आग लगने की। ग्राइंडिंग में भी, जैसे हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लेम निकलता है। ये ब्रेजिंग भी, ये भी एक टाइप का एक जैसे में हम लोग टाइटू बनाते हैं, जैसे टॉर्च करके वैसे ही लाइक है, जैसे भी ये वेल्डिंग की तरह ही काम करता है। सोल्डरिंग मतलब जैसे हम लोग किसी वायर वर को हम लोग सोल्डिंग करते समय मोबाइल वोबाइल में इसका यूज़ करते हैं। इसमें सब में क्या होता है कि इसमें हीट होता है, स्पार्क होता है। और हम लोग देखते हैं लोग व्हाट इज़ कोल्ड वर्क, कोल्ड वर्क क्या होता है। फ्रेंड्स, अ कोल्ड वर्क इज अ चेंज ऑफ वर्क वेयर देयर इज नो चांस ऑफ हीट, फ्लेम, स्पार्क, मीन्स एक्सेप्ट हॉट वर्क, ऑल इज इन्वॉल्व कोल्ड वर्क। मतलब कहने का मतलब कि कोल्ड वर्क क्या होता है, ये एक ऐसा वर्क होता है जिसमें आज हीट, स्पार्क और फ्लेम का कोई चांस ही नहीं रहता है। इसमें कोई चांस नहीं, मतलब कि हॉट वर्क को छोड़कर बाकी जितना भी काम होता है हम लोग को कोल्ड वर्क में आता है। जैसे मैं जिसमें मैं स्पार्क निकलता है, जैसे वेल्डिंग में, तो हॉट वर्क हो गया, और इसके बाद हम लोग देखते हैं लोग कोल्ड वर्क में क्या क्या आता है।
फ्रेंड्स, कोल्ड वर्क में सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं कन्फाइंड स्पेस परमिट। कन्फाइंड स्पेस परमिट ये कोल्ड वर्क में ही आता है। और कन्फाइंड स्पेस में हमको अगर वेल्डिंग या फिर गैस कटिंग काम करना है तो उसके लिए हम लोग पहले हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है। अब देखिए वर्क एट हाइट परमिट क्या होता है। वर्क एट हाइट परमिट ये कोल्ड वर्क में ही आता है। स्काफोल्ड परमिट ये भी कोल्ड वर्क में ही आता है। स्काफोल्ड में क्या होता है, चाहे वर्क एट हाइट में, यहाँ पे स्पार्क निकलेगा कोई चांस नहीं रहता है। लाइन ब्रेक परमिट ही कोल्ड वर्क में ही आता है। अगर लाइन ब्रेक में परमिट करके हम लोग अगर उधर मेंटेनेंस में अगर हम कुछ वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग हॉट वर्क के लिए परमिट लेना पड़ता है। उसके बाद हैवी लोड परमिट क्या होता है। हैवी लोड परमिट मतलब ज़्यादा हैवी लोड होता है, भारी भारी जो मटेरियल होता है उसको लिफ्टिंग करना होता है, फिर लोडिंग करना होता है, तो उसके लिए हम लोग को हैवी लोड परमिट लेना पड़ता है। एक्सावेशन परमिट क्या होता है, अगर हमको एक्सावेशन करना है तो उसके लिए हमें एक्सावेशन परमिट लेना पड़ता है। इसके बारे में एक्सावेशन परमिट के बारे में आपको डीपली बताएंगे आगे हम कैसे भरा जाता है। इलेक्ट्रिक परमिट के लिए भी हम लोग को इलेक्ट्रिक परमिट लेना होता है। रोड क्लोज परमिट, फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है कि रोड क्लोज होने का वहाँ पर चांस होता है, बिना रोड क्लोज होने काम ही नहीं चलता है, तो उसके लिए क्या करना होता है हम लोग के लिए, सबसे पहले उसके लिए परमिट लेना पड़ता है रोड क्लोज परमिट के लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं परमिट को कैसे फिल करते हैं, उसके लाइव हम लोग तो परमिट कैसे भरते हैं, ये परमिट का ये परमिट फॉर्मेट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा वो JSW स्टील लिमिटेड, ये हम JSW के अंडर में ही काम करें, यूनिक इंजीनियरिंग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका ये जैसे मैं आपको दिख रहा था विजयनगर वर्क तरंगलू डिस्ट्रिक्ट बिलारी कर्नाटका, ये मेरा जहाँ पर हम लोग कंपनी में जिस कंपनी में काम करें वहाँ का एड्रेस है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यूनिको इंजीनियरिंग, ये हमारे कंपनी का नाम है, वहाँ पे कंपनी का नाम रहता है। और उसके बाद से आप लोगों को दिख पा रहा होगा यहाँ पे परमिट टू वर्क, ये क्या है परमिट टू वर्क फॉर्मेट है। अब इसको हम फिल करके दिखाएंगे कैसे फिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि हॉट वर्क है, यहाँ पे कोल्ड वर्क है। तो सबसे पहले आपको हम पहले ही बता चुके हैं परमिट दो तरह का होता है, हॉट वर्क होता है कोल्ड वर्क होता है। तो यहाँ पे आपको ये आपका हॉट वर्क हो गया कोल्ड वर्क हो गया, तो हम लोग हॉट वर्क ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या है परमिट नंबर है, एक परमिट नंबर होता है, ये मेन परमिट यही होता है। और उसके बाद से जो भी होता है, जो भी अभी हमारे साइड पे क्या हो रहा है कि एक काम होता है ये हॉट वर्क का, उसके बाद स्काफ होल्डिंग का, उसके बाद वर्क एट हाइट का, उसके बाद एक्सावेशन का। हम फिलहाल सिविल फील्ड से ही हैं तो सिविल फील्ड से ही आपको हम डीपली में ज़्यादा बता पाएंगे। और इसमें हम मेरे साइड पर भी चार ही परमिट मतलब हॉट वर्क कोल्ड वर्क होता है, बाकी सब चेकलिस्ट होता है, बताते हैं आपको कैसे वो चेकलिस्ट क्यों बोला जाता है। और देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कॉपीज, आपको पूरा डीपली बताएंगे हम इस परमिट के एक स्टेप को। यहाँ पे क्या है कॉपीज, पिंक परमिट होल्डर के पास रहता है या फिर परमिट एप्लीकेंट के पास रहता है, वाइट क्या होता है वर्कशीट पर रहता है, और ग्रीन क्या होता है ऑथराइजर के पास होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये कॉपीज क्या होता है। पहला क्या है यहाँ पे पिंक क्या होता है परमिट एप्लीकेंट या परमिट होल्डर। तो परमिट एप्लीकेंट क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे यूनिको इंजीनियरिंग में है तो ये हम सब कॉन्ट्रैक्टर हैं लोग, और जो हम लोग का क्लाइंट होता है वो JSW है। तो JSW क्या हम लोग का क्लाइंट है, उसके JSW क्लाइंट से सिविल इंजीनियर होंगे, जो सिविल इंजीनियर होंगे वो परमिट एप्लीकेंट होंगे जो हम लोग को परमिट देते हैं। या परमिट होल्डर क्या होता है, जो भी हम साइट पे जिसमें काम करते हैं वहाँ का जो सुपरवाइजर होता है या फिर साइड इंजीनियर होता है या फिर सिविल इंजीनियर होता है जिस साइड पर हम लोग काम करते हैं, वो एक कोई एक परमिट होल्डर हो सकता है, जिसको परमिट जो लेगा उसको साइड पे ही रहना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है वाइट वाला तीन कॉपी परमिट का, तीन कॉपी होता है, एक पिंक होता है और एक वाइट होता है और एक ग्रीन होता है, ठीक है। तो एक तो कॉपी हो गई ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये पिंक कॉपी है, और थोड़ा फोटोज़ में उतना क्लियर पिंक नहीं आया है लेकिन ये पिंक कॉपी है। और दूसरा क्या है वर्क साइट पर रहता है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं लोग, उस एरिया में हम लोग एक कॉपी को हम रखते हैं लोग। और ग्रीन क्या होता है ऑथराइजर के पास होता है, ऑथराइजर कौन होता है, ये मैकेनिकल वाला होता है, ये JSW क्लाइंट का ही आदमी होता है, वो मैकेनिकल फील्ड से होता है। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग ये देखते हैं लोग, अब ये क्या होता है अप्लीकेशन एंड वर्क डिस्क्रिप्शन फिल बाई अप्लीकेंट, ये क्या होता है अप्लीकेंट के माध्यम से भरा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मेरे साइड पे क्या होता है कि जो परमिट होल्डर हैं वो खुद भरते हैं और खुद जाके परमिट लेते हैं। ये एक्चुअली सेफ्टी ऑफिसर का ये काम नहीं होता है कि परमिट लेना, सेफ्टी ऑफिसर का काम यही होता है एज अ सेफ्टी ऑफिसर मेरा ड्यूटी क्या होता है मैं दूसरे वीडियो में डीपली बताऊँगा। ओके
ये परमिट लेना हम लोग का काम नहीं होता है। परमिट होल्डर हमारे साइड के लिए है कि नहीं वो चेक करना हम लोग का काम होता है। आप परमिट सही से भरा गया है कि नहीं, ये आप परमिट जैसे जो हम लोग डिस्क्रिप्शन में वर्क है वही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इसके बारे में हम लोग को केवल इंश्योर करना है। तो फ्रेंड्स ये लेकिन ये परमिट खुद हम ही बड़े हैं और आप लोगों के लिए हम एक वीडियोस बनाए हैं कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्लानेट वर्क शेड्यूल ड्यू डेट फॉर, इसमें यहाँ पे डेट के माध्यम से डाला जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि अभी ये 2 तारीख का ही है, 2/12/2021 से लेके 2/12/2021, मतलब ये एक ही दिन का होता है। यहाँ पे टाइम भरा जाता है, टाइम क्या होता है 9 AM to 9 PM, इसमें हम लोग का 12 घंटे का ड्यूटी होता है तो 9 AM से 9 PM का ही होता है। और दूसरा क्या यहाँ पे प्लांट क्या होता है, कोक फाइव, यहाँ पे कोक फाइव क्या होता है प्लांट, जैसे मैं आप भी जैसे हम जिस एरिया में काम करते हैं वो कोक फाइव है, अब बहुत होता है जैसे मैं इसमें 3 कोक फाइव कोक वन कोक टू, ऐसे आपको भी ये ज़्यादा प्लांट और लोकेशन के बारे में आप लोगों को ज़्यादा डीपली नहीं सोचना है। आप जैसे आप साइड पे आएंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि ये प्लांट में कौन सा प्लांट हम लोग काम करना है और लोकेशन हम किस लोकेशन में काम करना है। तो यहाँ पे फेज 1 फेज 2 लोकेशन में हो सकता है, जो मेरा साइड है वो BOD एरिया है। ओके, उसके बाद क्या है वर्क डिस्क्रिप्शन, इसमें फ्रेंड्स हम लोग क्या बढ़ते हैं, जैसे मैं वर्क डिस्क्रिप्शन हम लोग वो चीज़ बढ़ते हैं, जैसे हम लोग को इस साइड पे क्या क्या काम करना है, जो जो काम करना है उसके बारे में डीपली आपको वर्क डिस्क्रिप्शन में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं पहला क्या है यहाँ पे स्टील वर्क, जैसे हम यहाँ पे स्टील वर्क होता है जैसे छरी और यह काम होता है, शटरिंग वर्क में वहाँ पे डीसेटरिंग होता है, शटरिंग का काम होता है। जैसे हम यहाँ पे वाटर टैंक बन रहा है, अभी हमारे BOD एरिया में वाटर टैंक बन रहा है। वाटर टैंक में क्या होता है कि कंक्रीट का ही वाल हो रहा है, पूरा कंक्रीट का ही वाल हो रहा है, वाटर टैंक बन रहा है, इसमें शटरिंग का काम होता है, डीसेटिंग का काम होता है, स्काफोल्डिंग का काम होता है। स्काफोल्डिंग का काम, बिना स्काफोल्डिंग का तो वाल इरेक्शन होगा नहीं, तो स्काफोल्डिंग का जरूरत पड़ता है। उसके बाद से कंक्रीट वर्क, उसको कंक्रीट किया जाता है। वेल्डिंग वर्क, इसमें बहुत वेल्डिंग भी किया जाता है, जैसे मैं टाई रड वगैरह देने के लिए इसमें वेल्डिंग वर्क का भी काम पड़ता है और गैस कटिंग का भी काम पड़ता है। एक्सकैवेशन, जैसे मैं फाउंडेशन करना है तो सबसे पहले एक्सकैवेशन करना पड़ता है। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा फिनिशिंग में क्या होता है, जैसे मैं चिपिंग ओपिंग का काम होता है, जैसे मैं हम लोग सेटरिंग वोटिंग का वहाँ पे कर दिए हैं, लोग कंक्रीट कर दिए हैं तो वहाँ पे कुछ दरार पड़ जाता है, उसके मतलब फिनिशिंग मतलब क्या होता है, उस चिपिंग करके उसको पूरा फ्रेश कर देना, ये होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है ऑथोराइजर, सॉरी अप्लीकेंट सिग्नेचर होता है, यहाँ पर अप्लीकेंट का नेम होता है। तो यहाँ पे आप प्रिवेंसर हैं जो कि क्लाइंट से हुए और उनका यह सिग्नेचर है, वो अप्लीकेंट जो सिविल फील्ड से होते हैं आपको पहले ही बता चुके हैं। और उसके बाद से क्या होता है ऑथोराइजर होता है, इसका भी सिग्नेचर और साइन होता है। और जैसे मैं आपको पता होगा कि बिना परमिट लिए हम लोग काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं लोग, तो ये सबसे पहले सुबह में पहला यही काम होता है कि सबसे पहले परमिट लेना। ओके, फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि सेफ्टी मेजर टेकन बाई ऑपरेशन, ये क्या है दोस्तों कि मेरे साइड मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पे अभी सिविल वर्क चल रहा है, तो जो इक्विपमेंट इज़ फ्री फ्रॉम फ्लामेबल एम हाइड्रोकार्बन टॉक्सिक, ये क्या होता है, ये जो जितना भी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग, ये क्या है कि हम लोग के साइड पर सिविल वर्क में होता ही नहीं है। ये क्या होता है कि जो हैवी वर्क होता है जैसे कन्फाइंड स्पेस में या फिर टॉक्सिक गैस में, ये सब उसके लिए परमिट बनाया गया है, ये उसमें काम करता है। जैसे सिविल वर्क में ये सब काम ही नहीं पड़ता है, इक्विपमेंट पोर्टेबल ट्रेन क्लीन बाइक क्लीन, ये सब काम ही नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या है वाटर सील हैज़ बीन मेड, इसका भी नॉट रिक्वायर्ड, NR मतलब क्या होता है नॉट रिक्वायर्ड, इसका कोई रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है मेरे साइड पे। अब उसके बाद से देखिए क्या होता है स्पेशल प्रिकॉशन एंड प्रोटेक्शन हजार्ड फील्ड बाई अप्लीकेंट या ऑथोराइजर, ये क्या होता है कि फील्ड क्या रहता है अप्लीकेंट के माध्यम से या फिर ऑथोराइजर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ परमिट होल्डर शुड बी एट सेट, यहाँ पे क्या है कि परमिट होल्डर को जो परमिट लेता है, ये क्या हो, ये कौन हो सकता है, साइट सुपरवाइजर होता है, हो सकता है साइट इंजीनियर हो सकता है, जो कि परमिट होल्डर जो भी होगा उसको साइट पर आना पड़ता है। इंश्योर प्रॉपर जाली, ये क्या होता है कि प्रॉपर जाली का मतलब क्या होता है, जब स्काफोल्ड बनता है तो उसमें यहाँ पे JSW मैंडेटरी है, वहाँ पे डबल जाली, जैसे हम लोग मचान भाड़ा बनाते हैं ना, तो काम में हम लोग वो जाली का इस्तेमाल करते हैं, वो लकड़ी वाला, लेकिन क्या होता है कंपनी में लकड़ी वाला जाली नहीं चलता, यहाँ पे लोहा वाला जाली रहता है, उसको हम लोग को इंश्योर सुनिश्चित करना होता है कि जो वर्कर साइट पर काम कर रहा है, जो मेरा वर्कर, वो डबल जाली लगाए है कि नहीं जलाए। उसके बाद क्या है इंश्योर प्रॉपर WH वर्क एट हाइट,
वर्क एट हाइट के बारे में हम लोग को पूरा इंश्योर करना है। उसके पास क्या है, पीपीएच शुड बी इन अ गुड कंडीशन, जो भी हम लोग पीपीएच प्रोवाइड किए हैं वो क्या होना चाहिए, गुड कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे सिग्नेचर हो जाता है वो लोग का। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, पीपीई इज फायर प्रिकॉशन गैस्टेड एसोसिएट सर्टिफिकेट टू बी फिल्ड बाई द परमिट अप्लीकेंट। ये क्या होता है कि परमिट अप्लीकेंट करता है लोग, लेकिन हमारे साइड पर क्या होता है कि साइट सुपरवाइजर ही करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, आई फेस एंड ईयर प्रोटेक्शन, ये जैसे मैं आप लोग देख पा रहे हैं लोग, ये क्या होता है मेरे साइड पर प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे रिमार्क में, प्रोवाइडेड। उसके बाद क्या होता है हेड प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन भी ऑलरेडी मेरे कंपनी में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हार्ड हेड जिसको हम लोग हेलमेट बोलते हैं, ये भी हमारे कंपनी में है। उसके बाद यहाँ पे क्या है बॉडी प्रोटेक्शन, फुल बॉडी हार्नेस, ये भी क्या है प्रोवाइडेड, यहाँ पर रिमार्क हम लोग प्रोवाइडेड कर दिए हैं, ये भी प्रोवाइड है। उसके बाद क्या है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन बीएसएड, एक्चुअली पता है क्या दोस्तों बीएसएड का हम लोग को साइड पे काम ही नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखे हैं। और वैसे में मेरे साइड पर भी बीएसएड का है भी नहीं, कन्फर्म स्पेस का काम ही नहीं होता है, एक्सर्वेशन का काम होता है वो भी डीप एक्सर्वेशन का काम नहीं होता है, ज़्यादा ज़्यादा होता है तो एक मीटर गहरा होता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं तो इसका काम नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है लेग प्रोटेक्शन, लेग प्रोटेक्शन का क्या पड़ता है, जैसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे लेग गार्ड का यूज़ करते हैं तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं लोग। उसके बाद पोर्टेबल सीओ मॉनिटर, फ्रेंड्स क्या होता है सीओ जो होता है हमारे साइड पर भी इसका मॉनिटर नहीं है, और एक्चुअली इसका हम लोग का काम ही नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉट अप्लीकेंट को हम लोग करते हैं लोग। उसके बाद क्या मतलब प्रूफ लेडर गैस कटिंग सेट, हाँ ये रूफ लेडर ये हम लोग देते हैं लोग, गैस कटिंग सेट भी ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं लोग गैस कटिंग के लिए। गैस कटिंग सेट में क्या होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसका ट्रॉली होना चाहिए बढ़िया से, एक फायर वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जो भी गैस कटिंग के बारे में आपको डीपली हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस स्कैफोल्डिंग इन क्लोज, जैसे मैं सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस वहाँ पर जाने आने जाने का रास्ता वहाँ पे हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे बढ़िया होना चाहिए स्कैफोल्डिंग पे, उससे स्कैफोल्डिंग इन क्लोज होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग इन क्लोज होना चाहिए। अब यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं लो कंपिटेंट फायर वॉचर, फ्रेंड्स कंपिटेंट फायर वॉचर वो होता है जो पूरे जो काम हो रहा है उसको देख रहा है वहाँ पे, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लो फायर एक्सटिंग्विशर, फ्रेंड्स हम ऑलरेडी फायर जब गैस कटिंग के काम होते हैं वहाँ पे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं लो। अब ये प्रेशर फायर होज, प्रेशर फायर होज एक्चुअली मेरे साइड पे ये नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखते हैं लो। अब यहाँ पे फायर टेंट, ये एक्चुअली इसका भी हम लोग के साइड पे काम नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो स्क्रीन ऑफ एरिया, स्क्रीन ऑफ एरिया का भी हम लोग को अभी काम नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, इसलिए नॉट अप्लीकेबल लिख देते हैं लोग। या एक्सप्लोजन टेस्ट, इसका भी हम लोग को काम नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिख देते हैं लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी हम लोग को काम ही नहीं पड़ता है, तो इसलिए नॉट अप्लीकेबल हम लोग लिख देते हैं लोग। और यहाँ पे ऑक्सीजन टेस्ट, ऑक्सीजन टेस्ट का भी हम लोग का वैसे उतना खतरनाक काम होता ही नहीं है सिविल वर्क में कि हम लोग ऑक्सीजन टेस्ट का काम पे, तो वो सब कन्फाइंड स्पेस में ये सब हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं लोग। उसके बाद क्या है यहाँ पे सर्टिफिकेशन, देखिए फ्रेंड्स कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, जैसे आपको हम पहले ही बताए थे कि यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस ये कोल्ड वर्क में ही आता है, कोल्ड वर्क में ही आता है। तो यहाँ पे देखिए कन्फाइंड स्पेस क्या है, यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस परमिट हो गया, यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस क्या है मेरे साइड पे है ही नहीं, इसलिए हम लोग इसका कन्फाइंड स्पेस का यूज़ हम लोग करते ही नहीं है लोग, कन्फाइंड स्पेस का काम ही नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे लोटो सिस्टम का भी हम लोग को काम नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का काम ही नहीं पड़ता हम लोग का, इलेक्ट्रिसिटी पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जब को उसका पावर को बंद बंद करना होता है उसके लिए हम लोग परमिट लेना पड़ता है, तो ये भी काम ही नहीं पड़ता हम लोग का। और उसके बाद यहाँ पे क्या वर्क एट हाइट, वर्क एट हाइट का हम लोग को वो ज़्यादा काम पड़ता है, तो इसके लिए वर्क एट हाइट का भी परमिट दिखाएंगे, वो उस वर्क एट हाइट पर जो परमिट नंबर आता है वो इसको हम लोग मेंशन करते हैं, मेन परमिट ये हमारा यही होता है। उसके बाद क्या है एक्सर्वेशन परमिट, एक्सर्वेशन के लिए भी हम लोग परमिट लेते हैं लोग, उसका केवल परमिट नंबर इसमें हम लोग मेंशन करते हैं लोग। हेवी लिफ्ट हाइड्रा परमिट, हेवी लिफ्ट हाइड्रा जैसे में हम लोग को हेवी लोड का हमारे साइड पर अभी फिलहाल काम ही नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिख रहे हैं लोग। अब यहाँ पर रोड क्लोज, रोड क्लोज का भी हम लोग का भी काम नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल लिखते हैं लोग।
और उसके बाद से क्या यहाँ पे स्काफ होल्डिंग परमिट हम लोग लेते हैं, तो स्काफ होल्ड का परमिट नंबर यहाँ पर आता है। और उसके बाद से हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पर परमिट अप्लीकेंट का फिर यहाँ पर सिग्नेचर आता है, और फिर यहाँ पर उसका उनका नाम उम रहता है यहाँ परमिट होल्डर का, जैसे यहाँ पे परमिट होल्डर जो भी हमारे साइड का साइड सुपरवाइजर हैं और उनका फिर यहाँ पे नाम सिग्नेचर आता है। और उसके बाद से परमिट ऑथोराइजर यहाँ पे, फिर परमिट ऑथोराइजर का यहाँ पर डेट हो जाता है, साइन हो जाता है। उसके बाद से फिर यहाँ पे कितना बजे तक दे रहा है उसका हो जाता है। और उसके बाद से परमिट रिटर्न, हाँ फ्रेंड्स क्या होता है परमिट रिटर्न या वर्क कंप्लीट, यहाँ पे परमिट रिटर्न क्या होता है, परमिट रिटर्न हम लोग कैंसिल करते हैं ना, यहाँ पे परमिट कैंसिलेशन होता है। परमिट रिटर्न क्या होता है, अगर हम लोग सपोज डेट कि हम लोग 9 बजे से 9 बजे तक हम लोग परमिट लिए हैं लोग, अब मेरा काम 6 बजे ही कंप्लीट हो गया, तो आप हम लोग परमिट रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद से परमिट कैंसिल कब होता है, जब मान लीजिए कि वहाँ पर कोई घटना घट गया हमारे साइट पे या अचानक कोई घटना घट गया, तो उस स्थिति में परमिट कैंसिलेशन होता है। और ऐसा भी परमिट कैंसिल होता है जैसे मैं हमारे वर्क पे ऑन से कंडीशन ज़्यादा होता है और क्लाइंट वाला सेफ्टी वाला आता है तो भी हमारे परमिट कैंसिल कर देता है। और फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं लोग इसी परमिट के पीछे एक और पेज होता है जिसको हम लोग परमिट अगर एक्सटेंशन करना होता है, जैसे मैं यहाँ पे हम लोग 9 से 9 परमिट लिए हैं, अगर हमारे साइट पे कोई ज़्यादा अभी ज़रूरी वाला कोई काम पड़ जाता है उसके लिए हम लोग परमिट एक्सटेंशन 12 बजे तक अगर परमिट लेना होता है तो फिर उसके लिए हम लोग जाके परमिट अप्लीकेंट से परमिट ऑथराइजर से परमिट लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे परमिट अप्लीकेंट, तो फिर यहाँ पे वो रिन्यूअल करता है परमिट अप्लीकेंट परमिट नेम होता है, फिर यहाँ पे परमिट होल्डर परमिट उसका नाम चेंज होता है। उसके बाद से फिर वहाँ पे जब हम लोग काम करते हैं तो 9 से 9 तो हम लोग काम करें, उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे मेंशन करना होता है वर्क एट हाइट पे काम करना है या फिर रेडियोग्राफी पे कन्फाइंड स्पेस में एक्सकैवेशन में इलेक्ट्रिसिटी में रोड क्लोज में हैवी वर्क में यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है जिस काम के लिए हम एक्सटेंशन करा रहे हैं लोग। अगर वहाँ पे फिर करा लिया अगर उसके बाद फिर चाहते हैं अभी कराने के लिए तो उसके बाद फिर से यहाँ पे परमिट लेटर से मिलता है। उसके बाद से ये क्या है आपका एक्सटेंशन फॉर रोड क्लोज जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए एक अलग परमिट बनता है, फिर उसको हम लोग इसमें मेंशन करते हैं परमिट नेम वगैरह ये सब उसमें हम लोग मेंशन करते हैं ये डेट साइन नेम वगैरह। उसके बाद से सेफ्टी टूल बॉक्स स्टॉल, ये जो परमिट होता है उसी के जस्ट पीछे होता है, तो यहाँ पर सेफ्टी जब टूल बॉक्स स्टॉल करते हैं तो इसमें जितने भी वर्कर होते हैं उसमें सबका यहाँ पर नाम लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद उसका डेजिनेशन वो उस क्या करता है कारपेंटर है फोरमैन है फिटर है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका ईपिक नंबर क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है कि साइड पे ईपिक नंबर कोई कार्ड लेके आता है कोई कार्ड लेके नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लिखे नहीं है उसका सिग्नेचर यहाँ पे होता है, तो उसका हम लोग सिग्नेचर ले लेंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल हम नहीं लिए हैं लेकिन सिग्नेचर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक क्या क्या कवर किए हैं, तो यहाँ पे क्या PPEs है वर्क हाइट है यहाँ पे हैंड रेलिंग है, उसके बाद फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर होता है। और फ्रेंड्स आपको दिखा था आपको हम बताएं 3 कॉपी होता है परमिट का, 3 कॉपी होता है ये आपका पिंक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए आप एक ये क्या है वाइट है इसके हम लोग पीछे हम लोग कार्बन लगा के लिखते हैं लोग, इसमें भी कार्बन नहीं है पूरा ब्लैंक है ये सेम वही है उस वही सेम टू सेम होता है ये। उसके बाद फिर एक कॉपी होता है यहाँ पे आप लोग देख लें ये ग्रीन होता है, अभी आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये 3 परमिट होता है जो कि जिसका देखिए परमिट नंबर एक ही है यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं लोग परमिट नंबर इसका एक ही है तीनों का, ये 3 कॉपी होता है और इसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग देखें यहाँ पे क्या है वर्क एट हाइट सर्टिफिकेशन, यहाँ पे देखिए आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये वर्क एट दिस इज ए नॉट अ परमिट टू वर्क सिस्टम, यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं वर्क एट हाइट जैसे आप लोग परमिट बोलते थे यहाँ पे आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा दिस इज ए नॉट अ परमिट टू वर्क, परमिट टू वर्क नहीं है क्या है वर्क एट हाइट सर्टिफिकेशन है ये, ठीक है सर्टिफिकेट है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं लोग 12 44 20 यहाँ पे देख रहे हैं परमिट नंबर होता ही है, तो ये जो सर्टिफिकेशन नंबर होता है ना इसी को हम लोग देखें हम लोग कहाँ मेंशन करते हैं लोग इसी को हम लोग यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं लोग वर्क एट हाइट के लिए था ना यहाँ पे हम लोग वर्क एट हाइट के लिए यहाँ पे मेंशन करते हैं लोग, और यही मेरा मेन परमिट होता है और यही अपना मेन परमिट होता है। इसमें भी देखिए क्या करते हैं हम लोग परमिट इसका भी 3 कॉपी होता है, येलो होता है जो परमिट अप्लीकेंट के पास रहता है, ग्रीन होता है जो वर्क साइट पर होता है और ब्लू होता है जो ऑथराइजर के पास रहता है। यहाँ पे हमारा यूनिको इंजीनियरिंग ये हमारा कंपनी का नाम हो चुका,
और ये क्या है, परमिट नंबर होती है। परमिट नंबर कौन होता है, जो हम आपको जो पिंक कलर का दिखाएं सबसे पहले उसी का परमिट नंबर, जैसे आपको फिर से हम एक बार दिखा देते हैं, ये जो क्या है 20-57-17 है ना, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे 20-57-17 है, यहाँ पे दिख पा रहा होगा आप लोगों को, यही जो परमिट नंबर होता है यही सब में मेंशन होता है। और ये सब क्या है, ये चेकलिस्ट है। इसमें भी क्या है, जैसे हम लोग सेक्शन 1 क्या होता है, टू फिल बाई परमिट अप्लीकेंट के माध्यम से होता है, जिससे मैं जिस तारीख को हम ले रहे थे यहाँ पे 2/12/2021 ले लिए, वैलिड फ्रॉम 9 AM टू 9 PM हो गया, उसका फिर परमिट अप्लीकेंट का ये अपना नाम होगा, यहाँ पे नाम होगा, उसका सिग्नेचर हो गया, डिपार्टमेंट से भी लोग है मेरा, लोकेशन BOD इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये डिस्क्रिप्शन फिर हम लोग लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन वर्क हम लोग वर्क क्या करना है। उसके बाद से फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्शन टेकन बाई परमिट होल्डर, प्लीज़ टिक द रिलेवेंट एक्शन टेकन इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। जैसे हम लोग जो भी हम लोग प्रिकॉशन लिए रहते हैं यहाँ पे हम लोग को टिक करना होता है, यहाँ पे अगर हम नो कर देंगे तो परमिट मिलेगा ही नहीं,